सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर मैं तबरुकन हाजिर हो गया हूँ तो ये हक शोरा हजरात का है और आप हजरात भी अशार सुनने के लिए आमादा है। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सरकार सिद्दुशोदा इमाम हुसैन के लिए जैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। सोचा तो बहुत कुछ सारी मैं मुख्तसर करता हूँ, कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर खत्म कर दूँ क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा वक्त आपका न लूँ। तो आज इसकी विरासत की तारीख है, उसकी माँ जैसी इस कायनात में किसी की माँ नहीं है, उसके बाबा जैसा इस संसार में किसी का बाबा नहीं है, उसके नाना जैसा इस संसार में किसी का नाना नहीं है, उसकी नानी जैसी इस संसार में किसी की नानी नहीं है, इसके भाई जैसा इस संसार में किसी का भाई नहीं है। तो अजीजों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो परवरदिगार आलम की तरफ से सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील फरिश्तों के हमरा पैगंबर अकरम के पास मुबारकबाद देने के वास्ते जा रहे थे। तो रास्ते में एक मुकाम पे खंडर में एक फरिश्ता जो है माकूब रिश्ता याफ्ता पड़ा हुआ था, उसने कहा क्या क़यामत आ गई है, कितने फरिश्ते साथ जा रहे हैं। उसने बताया कि नहीं, आखिरी नबी का नवासा पैदा हुआ है, हम उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। अब उसने कहा मुझे भी लेते चलो, बार ऊपर उसके सब छीन लिए गए थे, बारह लेकर के गए। जाहिर बात उससे पहले उसने बहुत सी अल्लाह के बारगाह में दुआ भी किया होगा, लेकिन बारह उसे नहीं मिले बार ऊपर लेकर के फिर उसको लेकर गए। फिर पैगंबर से बारह उसने फरियाद किया तो पैगंबर ने क्या फरमाया कि फितरस को गवारे हुसैन से मत कर दो, इमाम हुसैन से मत करने के लिए नहीं कहा, कहा फितरस को गवारे हुसैन से मत कर दो। उसने मत करना था कि जो बालों पर उसके खत्म हो गए थे उसे दोबारा बालों पर आता हो गए, और ये वहां पर कहता हुआ वहां से बर्बाद कर गया, मैं तो हुसैन का आजाद करता हूँ, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। तो अजीजों, मेरा मकसद यह है कि इस कायनात में जो फजीलत सरकार सैयद शोहदा इमाम हुसैन की है वो किसी और की नहीं है। अगर देखा जाए, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, हुसैन की जात वो जात है, एक तरीके से देखा जाए कि ये अहले बैत भी है और अखाबे पैगंबर में भी शुमार है, ये साहबी रसूल भी है और पैगंबर भी है, पैगंबर के अहले बैत भी है। ये तो एक ये वो साहबी है, असल मंजर तुम्हारा साहबी अहले बैत के मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए दोनों एतबार से दोनों पहलू है। तुम्हारा ये क्या प्रथम समझना चाहिए, हिदायत के चिराग है, निजात के ये कश्ती है। सबसे पहले हम जब कोई काम अंजाम देते हैं तो क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, दोनों के माने हैं रहम करने वाले के, मेहरबानी करने वाले के, रहमान के माने भी है मेहरबानी करने वाले के, रहम करने वाले के और रहीम के माने भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, माने दोनों के एक ही है, रहमान कहा जाए या रहीम कहा जाए, वो परवरदिगार जो रहम करने वाला है जो मेहरबान है, तो रहमान और रहीम में फर्क क्या है। रहमान जो है वो जन्नत तरीके से है, यानी हर एक पर परवरदिगार रहम करेगा, और रहीम जो है वो मखसूस है, अपने मखसूस बंदों पर रहम करेगा। बल्कि मैं हालात के तहत का तर्जमा करूं, परवरदिगार उस पर रहम करेगा जो बतूल वाला होगा, जो रसूल वाला होगा, जो हसन वाला होगा, जो हुसैन वाला होगा, परवरदिगार उस पर रहम करेगा। ये माने रहमान के एक सलवात मौदे मोहम्मद वाले।